सिंह सैनी लगातार जनता के हितों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने संत कबीर कुटीर में जनता दरबार लगाया। यहां सीएम सैनी ने आम जनता की समस्याएं सुनी और कहा कि समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल सीएम सैनी की कार्यप्रणाली खास है, जो आम जनता के दिलो दिमाग पर अमित छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाया जनता दरबार। सीएम सैनी ने सुनी आम जनता की समस्याएं। संत कबीर कुटीर में लगाया जनता दरबार। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम सैनी की कार्य प्रणाली आम जनता के दिलो दिमाग पर छोड़ रही अमित छाप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आम जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार जनसेवा के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध है और वे हर संभव प्रयास करेंगे कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को पारदर्शी नीति अपनाने की सलाह देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों की भलाई चाहती है। सूबे की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर जो भी कहीं कोई किसी को समस्या आए, उसका समाधान हो, उसको लेकर के हम तत्परता से काम कर रहे हैं। कोई भी समस्या अगर हमारे ध्यान में आती है, मैंने अधिकारियों को बोला बोलिए उसको आप तुरंत राहत पहुंचाइए। मगर आपको क्या दिक्कत है, मैं बात सुन रहा हूँ ना लोगों की। रात को अगर कोई मेरे पास इमरजेंसी में आ जाता है, मैं तभी बात सुनता हूँ। क्या बात है बताइए भाई। मैं कभी किसी को ये नहीं महसूस होता कि मुख्यमंत्री ने मिलने जा रहे। अरे जिम्मेदारी मिली है ना, अगर जब जिम्मेदारी मिली है तो उसका निर्वहन भी 100% होना चाहिए। और आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद है उससे कर रहा हूँ। और मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि कोई भी अगर दिक्कत कहीं है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पूरा प्रशासन बैठेगा और उसका एक वार रूम बना रखा है। मैं खाली बैठता नहीं, मैं उसको हर रोज चेक भी करता हूँ, देखता हूँ मैं कितने ग्रीवेंस है, कितने सॉल्व हुए और कितने पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है उसका भी विवरण उत्तर प्रदेश से है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मिली गति। सरकार के 10.25 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कई अहम कार्य। विभिन्न पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर करोड़ों की राशि खर्च की गई। जनता को निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सप्लाई करने के लिए 575.50 करोड़ की राशि व्यय की गई। वहीं प्रदेश में 294 नहर जल पर आधारित परियोजनाओं और 265 ट्यूबवेल आधारित पेयजल परियोजनाओं के पंख लगे। राज्य में 1508.45 करोड़ की लागत से 4861 नए ट्यूबवेल और 1343 बूस्टिंग स्टेशन बनाकर चालू किए गए। हरियाणा के 14 बड़े बड़े गांव में पेयजल सप्लाई 70 लीटर से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई। 12 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधाओं में इजाफा भी किया गया। बता दें कि हरियाणा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी सरकार के 10.25 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं के प्रभावी और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर खर्च करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। प्रदेश भर में 294 नहरी जल पर आधारित परियोजनाओं और
265 ट्यूबवेल आधारित पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से नागरिकों को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल सप्लाई करने के लिए पर्याप्त व्यय किया गया। प्रदेश के 14 बड़े बड़े गांवों में पेयजल सप्लाई 70 लीटर से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई है और इसके अलावा 12 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधाओं में इजाफा भी किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली आम जनता के दिलो दिमाग पर गहरी अमिट छाप छोड़ रही है। वह जिस शालीनता के साथ काम की कर रहे हैं उससे भी बढ़कर जनता के शिकायतों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उनका मौके पर ही निवारण करने का प्रयास भी करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।